नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कई राज्यों के राज्यपाल का बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत ही लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जो कि बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद से ही खाली हो गई थी। ज्ञात हो गुरमीत सिंह सेना के उपप्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी दल में शामिल नहीं हो रहा हूं। वहीं मिलने जुलने की बात रही तो राजनीति में ये सब चलते रहता है। एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि मैं मुख्यधारा की राजनीति में हूं और एक राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य भी हूं। COVID-19 और फ्लू के माहौल में एकल खुराक वाले टीके के विकास की तैयारी हो रही है, जो कि मॉडर्ना कर रही है। कंपनी की माने तो वो जल्द ही एक ऐसी वैक्सीन का विकास कर रही है, जिसमें कोरोना और फ्लू के खिलाफ बूस्टर डोज शामिल हो। पटना का पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। 5,540 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में 5,462 बेड होंगे। वहीं विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल ताइवान का चांगगंग मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसकी क्षमता 10,000 बेड की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वर्चुअली अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसे पाटीदार समुदाय ने बनाया है। वो परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे। अहमदाबाद गांधीनगर सीमा क्षेत्र में वैष्णो देवी सर्कल के पास 11,672 वर्ग फुट के क्षेत्र में निर्मित अहमदाबाद में सरदार धाम भवन के पहले चरण का निर्माण 200 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से पूरा किया गया है। नीतीश कुमार के जदयू ने लोजपा में टूट का जिम्मेदार राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बताया है। इस बाबत मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान लालू की सेवा करने के चक्कर में चिराग पासवान की पार्टी अलग थलग पड़ गई है। देश में आज आए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर बीते 24 घंटे में 34,973 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 260 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। वहीं इससे एक दिन पहले की बात करें तो 24 घंटे के दौरान कोरोना के 43,263 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही 338 लोगों की जान गई थी। वहीं पिछले 24 घंटे में 37,681 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किया है। इस बाबत प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी जिलाधिकारी अभी भी मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आगे की स्थिति के लिए सचेत रहे, इस बात का निर्देश भी जारी किया गया है। राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की राह पर आ जाएगी, जिससे यह यात्रा सिर्फ 3 घंटे में होगी। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मुकाबले को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, दोनों टीमों के बीच 5वें टेस्ट के पहले दिन का खेल स्थगित करने का फैसला पहले लिया गया था, जिसके बाद पूरे ही खेल को रद्द कर दिया गया है। COVID-19 की वजह से यह फैसला लिया गया है। हालांकि ये मैच अब आगे कब आयोजित होगा या आगे क्या निर्णय लिया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। पूर्वी लद्दाख में बीते साल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों से भारतीय जवानों की हिंसक झड़प के बाद मोदी सरकार ड्रैगन को किसी भी फुफकार से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को लगातार उन्नत बनाने की योजना पर काम कर रही है। कोरोना संक्रमण से जंग में टीकाकरण ही अचूक हथियार, उद्घोष के साथ चल रहे भारत में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक विश्लेषण की माने तो कोरोना वैक्सीन संक्रमण से जान गंवाने की दर 96.6% कम करने में बेहद प्रभावी साबित हो रही है। बॉलीवुड के सितारों ने गणेश उत्सव की बधाई दी है, जिसके तहत मेगास्टर अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भगवान गणेश का प्रणाम करते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की है। साथ ही उन्होंने लिखा है, गणेश चतुर्थी की अनेक शुभकामनाएं गणपति बप्पा मौर्या। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपने डांस रियलिटी शो डांस दीवाने के सेट पर भगवान गणेश की पूजा करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है। इसके अलावा भी कई अन्य कलाकारों ने गणेश उत्सव को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। जम्मू के त्रिकुटा नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा, मेरा संबंध भी कश्मीरी पंडित परिवार से ही है। आगे उन्होंने कहा कि आज सुबह कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने आया था। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं भी एक कश्मीरी पंडित हूं। कृषि कानून को लेकर एक बार फिर पंजाब के 32 किसान संगठन एक मंच पर आ गए हैं। ये किसान संगठन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चंडीगढ़ में बैठक कर रहे हैं। किसान नेताओं ने सियासी दलों से सवाल करने के लिए आयोजित इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी को न्योता नहीं दिया है। आज गणेश उत्सव के मौके पर पुणे के एक मंदिर में श्रद्धालुओं ने सोने का 5 किलोग्राम का मुकुट चढ़ाया है। सोने के इस मुकुट की कीमत करीब 6 करोड़ है। बता दें कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार महाराष्ट्र में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहां यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है।
अर्धसैनिक बलों के ट्रांसफर की बागडोर अब सॉफ्टवेयर के हाथ में होगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के भीतर हार्ड सॉफ्ट पोस्टिंग के बीच स्थानांतरण में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सभी CAPF कर्मियों के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित स्थानांतरण नीति जल्द ही लागू की जाएगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर बूथ स्तर पर COVID-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेकर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2021 जारी की है। इन सभी में IIT मद्रास ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा। IIT बॉम्बे को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित समिति की पहली बैठक दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में 14 सितंबर को दिल्ली में होगी। मिली जानकारी के अनुसार यह बैठक सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी केंद्र सरकार की अफगान नीति से संतुष्ट नहीं है, जिस वजह से वो रोजाना उस पर हमला करती रहती है। साथ ही उसके वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिब्बल ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा कि अफगानिस्तान हम शायद ही समावेशी अंतर अफगान संवाद में एक खिलाड़ी हैं। केंद्र सरकार की अफगान नीति पूरी तरह से ऐसी होगी जिससे यूपी के विधानसभा चुनाव में भाजपा को फायदा हो। गणेश चतुर्थी के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मथुरा वृंदावन के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्रज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए भाजपा सरकार ने यह फैसला लिया है। मॉनसून के जाने के बाद भी देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है। ऐसे में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा कि 10 से 12 सितंबर तक कोंकण और गोवा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में व्यापक रूप से व्यापक वर्षा होने की संभावना है। रेलवे में 10वीं पास के लिए नौकरी का शानदार मौका है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अप्रेंटिस के 339 पदों पर भर्तियां करेगा। ये वैकेंसी 10वीं पास वालों के लिए है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeship.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। डेंगू का कहर लगातार जारी है। इसी बीच यूपी में किसी संदिग्ध बुखार और डेंगू बुखार की चपेट में आकर 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं आसपास के राज्यों में भी बुखार के काफी मामले अचानक से बढ़ गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है। इन बुखार में बच्चों और बड़े दोनों प्रभावित दिख रहे हैं। वहीं अस्पताल में बच्चों के बेड ज्यादातर भरे हुए हैं। कोविन की एक नई ऐप API विकसित की गई है, जिसे नो योर कस्टमर्स क्लाइंट्स वैक्सीनेशन स्टेटस नाम दिया गया है। इस API का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करना होगा। देश भर में साल वैक्सीनेशन की शुरुआत होने के साथ ही अब तक 72 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को दी जा चुकी है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग भारत सरकार के निदेशक सदस्य राकेश गुप्ता के केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे कामों को कांग्रेसी द्वारा गुमराह किए जाने वाले बयान पर सिद्धू ने 2 वीडियो जारी करके 3 कृषि कानून को लेकर फिर से अपना बयान जारी किया है और कहा है कि आपकी तरफ से की जा रही राजनीति की आलोचना करते हैं। लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल भर्ती पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को शुक्रवार दोपहर छुट्टी दे दी गई है। सीतापुर पुलिस की निगरानी में हॉस्पिटल ने आजम को सौंप दिया है। पुलिस उन्हें भारी सुरक्षा से ले जाकर सीतापुर जेल में दाखिल कर चुकी है। अल्लाहु अकबर के नारे को लेकर टिकैत ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नारों से कोई नाराज नहीं है। हां, भाजपा IT सेल के लोग नाराज हो सकते हैं। ये नारे हमारी मीटिंग का हिस्सा रहे हैं। टिकैत साहब के समय से ये नारे लगते आए हैं। ये लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं और हम जोड़ने की बात करेंगे। पशुपति पारस ने चिराग के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बड़े भैया के पुण्य प्रताप से मैं इस पद पर आज पद स्थापित हो पाया हूं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अगर निमंत्रण देने नहीं आते तो भी मैं बरसी कार्यक्रम में पटना में जरूर शामिल होता। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आभा कुमारी, रिया वर्मा, एस प्रवीण, नंदिता सिंह, नुन्नू कुमार, RCSA, अशीक लहिया, भगवान मिश्रा, एस परवीन, संतोष कुमार, प्रमोद राम, आभा सिंह, MK यादव, रजनीश कश्यप, अभिमन्यु कुमार, राजेश सौंथियाल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड के बीच कोरोना को ध्यान में रखते हुए 5वें टेस्ट मैच को रद्द करने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ
साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।